मुझ कुमार सोनू और आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज। आज हमारे साथ NH83 भूमि अधिग्रहण संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र कुमार हैं। हम इनसे जानेंगे कि अभी NH83 का जो अधिग्रहण हुआ वो सरकार मुआवजा दे रही है या नहीं दे रही है, आगे फिर इनसे बात विस्तृत करेंगे। सर, सबसे पहले जीसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी फिलहाल जो है NH83 भूमि अधिग्रहण संघर्ष समिति का आंदोलन जारी है। यहाँ गया डोभी से लेकर पटना तक के NH83 का निर्माण होना है, जिसमें किसी भी किसान को यह आपत्ति नहीं है कि NH83 हाईवे का निर्माण न हो। यही किसानों का भी कहना है कि NH83 का निर्माण हो, लेकिन निर्माण करने से पहले, जमीन का अधिग्रहण करने से पहले किसानों के जमीन का मुआवजा दिया जाए। और जो ग्रामीण एरिया में जमीन आता है उसका 4 गुना मुआवजा सरकार दे, जो पिछले 2013 के अध्यादेश में सरकार लाई थी। और जो शहरी क्षेत्र में जमीन आता है उस जमीन का मुआवजा 2.5 गुना दे, जो 2013 के अध्यादेश में बीजेपी की सरकार लाई थी। सर, तो आपका कहना है कि अभी सरकार बिना मुआवजा दिए हुए सबको कब्जा कर रही है और तोड़ रही है। यहाँ भाजपा की सरकार में जो चल रहा है, हमारे नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू कहलाते हैं, उनके और केंद्र के मिलीभगत से NH83 के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण में किसानों को बिना मुआवजा दिए और मकानों को तोड़ दिया गया है। जो अभी देखा जा सकता है फिलहाल डोभी NH2 से लेकर के और पटना NH83 के निर्माण तक। सर, अभी कोरोना काल में इलेक्शन, इस पर आपका क्या राय है? कोरोना काल में इलेक्शन, ये तो सरकार की मनमानी है। ये महामारी, कोरोना के महामारी में इलेक्शन तो होना ही नहीं था। सबसे पहले हमारे देश के जनता को बचाना था, हमारे राज्य के जनता को बचाना था, उसके विकास के बारे में सोचना था, उसके मेडिकल सुविधा के बारे में सोचना था, उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचना था। न तो सरकार किसी जनता के स्वास्थ्य के बारे में सोच रही है और न किसी के विकास के बारे में सोच रही है। सिर्फ सरकार सोच रही है तो गद्दी कैसे बचाया जाए, सिर्फ यही सरकार सोच रही है। अभी सर कृषि अध्यादेश आया, सर इस पर भी आपका कुछ है? कृषि अध्यादेश जो आया, जो केंद्र सरकार कह रही है कि एक क्रांतिकारी अध्यादेश है, यह क्रांतिकारी अध्यादेश नहीं है। यह किसान को यह सुझाव दिया जा रहा है कि आप सड़क पे आए, क्रांतिकारी बने और सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़े, इसके लिए यह अध्यादेश लाया गया है। कोरोना के महामारी में यह अध्यादेश लाना ही नहीं चाहिए था। अभी सर बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस पर बिहार सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही, आपका क्या राय है? बिहार में युवा बेरोजगार पड़े हैं, घर में लोग जो हैं अपने माता पिता का पोषण पालन बढ़िया से नहीं कर पा रहे हैं, और इस कोरोना के महामारी में तो और युवा बेरोजगार हो गए हैं। जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां करते थे जाकर के बाहर, बिहार से दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हरियाणा, वो सभी वापस पलायन करके आ गए हैं। और इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है जिसके बारे में सरकार को सोचने का समय नहीं है। और ये चुनाव के बारे में कहां से सरकार सोच रही है और चुनाव कराने पर आतुल है। अभी सर बिहार में स्वास्थ्य का हाल क्या है? बिहार में स्वास्थ्य का हाल बहुत ही बेहाल है, जिसके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है। क्योंकि जितना भी गया का मगध मेडिकल में ले लीजिए, ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं है। आम आदमी जाता है तो उसको भेज दिया जाता है कि आप घर में क्वारंटाइन रहिए, उसको ऑक्सीजन के अभाव में उसकी मौत हो जाती है। यहाँ बिहार की जनता कहाँ सुरक्षित है? सरकार तो कहते हैं कि हम विकास पर विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पर सिर्फ ठगी किया जा रहा है बिहार में और कुछ नहीं है। सरकार बिल्कुल बेरोजगारी को दूर हटाने में विफल रही है। अब की बार सरकार से इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। नीतीश कुमार से बिहार की जनता त्राहिमाम हो चुकी है। यानी आपकी नीतीश कुमार कहीं कहीं नहीं आएंगे, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। गांव-गांव का सर्वे आप करा लीजिए,
आप मीडिया से हैं, पूरे गांव जहां जहां आप जाते हैं गांव का सर्वे कर लीजिए, करवा लीजिए और देख लीजिए नीतीश बाबू को जो अपने जो जिनके वोट पर वो कहते हैं कि हमारा इतना परसेंट वोट है, उनका वोट भी उनके पास नहीं है। वो भी तेजस्वी यादव को लाइक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो तेजस्वी यादव बनेंगे, इसलिए कि कोरोना के महामारी में जब यहाँ देश के राज्य बिहार राज्य के जो जनता है वो सुरक्षित नहीं है, उनके स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा जा रहा है और ये चुनाव करा रहे हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री को हम लोग नहीं चुनेंगे। हम लोग जब भी वोट करेंगे तो तेजस्वी यादव को करेंगे, महागठबंधन को। अभी इलेक्शन के पहले उद्घाटन हो रहा है, इसका क्या कुछ? उद्घाटन पर उद्घाटन ये सिर्फ नीतीश बाबू का एक दिखावा है और कुछ नहीं है। इनको अगर करना है तो उद्घाटन नहीं करके और बिहार राज्य के जनता के स्वास्थ्य के बारे में सोचे। यहाँ जो और बाहरी राज्य से जो पलायन करके आए हैं हमारी जनता, उनके रोजगार के बारे में सोचे, उनके शिक्षा के बारे में सोचे। और यही नहीं जितने भी निजी विद्यालय हैं जो गार्जियन से बच्चों के फीस के नाम पर पैसा वसूल रही है, जब कोरोना महामारी में बच्चे स्कूल गए ही नहीं तो फिर बच्चे का फीस कैसे भरा जा सकता है? ये तो जबरन वसूली है। इस पर शिक्षा मंत्री भी कुछ अभी तक उनका अपना ओपिनियन नहीं आया है, क्योंकि इसलिए कि शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं उनका भी अपना निजी स्कूल है, इसलिए वो चाहते हैं कि यदि बच्चों के फीस माफ कर दिया गया तो हम अपने निजी स्कूल के बच्चों से फीस कैसे वसूलेंगे।